वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड दोस्तों, कि आपको फोटो एडिटिंग नहीं आती, यानी कि आप एक बिगिनर हो, डोंट वरी। आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ टॉप 5 बेस्ट AI फोटो एडिटिंग एप्स, जहाँ पर आप नेक्स्ट लेवल वाली फोटो एडिटिंग कर सकते हो बिना किसी भी लैपटॉप और PC के। सिर्फ आप अपने एंड्रॉइड फोन में ये सारा काम ईजिली कर सकते हो। चाहे फोटो को एनहेंस करना हो, फिल्टर ऐड करना हो, या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट को रिमूव करना हो, या फिर स्काई चेंज करना हो, जो भी एडिटिंग आप करना चाहते हो ना, इन 5 एप्लीकेशन में आपको अलग अलग यहाँ पर एडिटिंग टूल्स देखने को मिल जाएंगे। तो वीडियो ना काफ़ी ज़्यादा कमाल का और इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो बिना स्किप किए पूरा इंटरनेट जरूर देखना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के इस कमाल की वीडियो को हम शुरू करते हैं। ओके, तो हमारी लिस्ट के नंबर 1 पे जो AI फोटो एडिटिंग ऐप एडेड है ना, उसका नाम है पीकमा AI फोटो एडिटर। और भाई, ये जो एडिटर ऐप है ना, मुझे सबसे ज्यादा बेस्ट लगा, बिकॉज यहाँ पर ना बहुत सारे एडिटिंग टूल्स देखने को मिलेंगे। जैसे कि फोटो को एनहेंस करना, वीडियो को एनहेंस कर सकते हो, एंड इसके अलावा यहाँ पर आपको मिलेंगे वाटरमार्क इरेज देखने को मिलेगा, फेस डांस देखने को मिलेगा, एनहेंस प्रो का देखने को मिलेगा, यानी कि और भी ज्यादा एनहेंस कर सकते हो। रीस्टोर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, कलर मास्टर का ऑप्शन देखने मिलता है, AI अनक्रॉप का ऑप्शन देखने मिलता है, यानी कि आप अपने फोटो को ना एक्सपैंड कर सकते हो। एंड यहाँ पर स्माइल AI इधर स्लाइड करोगे ना, यहाँ पर और भी बहुत सारे यहाँ पर टूल्स देखने को मिलेंगे। एनिमल HD है, डी स्क्रैच है, यहाँ पर कार्टून स्टाइल में अपने फोटो को कन्वर्ट कर सकते हो। कलराइज का भी ऑप्शन है, जैसे कि अगर आपके पास कोई भी ब्लैक एंड व्हाइट फोटो है ना, उसको भी यहाँ पर कलर में कन्वर्ट कर सकते हो। और उसके अलावा अगर आप नीचे स्क्रॉल करते हो ना, यहाँ पर आपको बहुत सारे AI टेम्पलेट्स देखने को मिल जाएंगे, जिससे आप अपने फोटो को ना वीडियो में भी कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर है क्रिएट AI हगिंग वाली, ठीक है, तो यहाँ पर आप दो फोटो को अपलोड करके ना यहाँ पर से आप हग वाली वीडियो बना सकते हो। तो मैंने यहाँ पर से रैंडमली एक फोटो को यहाँ पर से सिलेक्ट किया है एडिटिंग करने के लिए। तो यहाँ पर एडिटिंग टूल्स क्या क्या है वो देख लो, एडजस्ट करने का, कट करने का, रोटेट करना है, कर्व करना है, ठीक है, टूल्स में। और उसके बाद AI एनहेंस पर आओगे तो यहाँ पर एनहेंस का ऑप्शन आ जाता है। और भाई, इस एडिटिंग ऐप का ना मुझे एक ही चीज़ सबसे ज़्यादा बेस्ट लगा, एनहेंसमेंट। भाई, टॉप नॉच एनहेंस करता है, आपको कोई भी रेमिनी एप्लीकेशन का जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज उस ऐप से जो एनहेंसमेंट है ना, मुझे इस ऐप का एनहेंसमेंट काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त लगा। उसके अलावा अगर यहाँ पर आप AI एडिटर पर टैप करते हो, तो यहाँ पर आप अपने फोटो को एक्सपैंड कर सकते हो। वाटरमार्क अगर आपके फोटो में है तो उसको इरेज कर सकते हो, स्माइल आप अपने फेस पर दे सकते हो, सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। कार्टून वाला स्टाइल भी देखने को मिल जाए, जहाँ पर आप अपने फोटो में ना कार्टून स्टाइल यहाँ पर दे सकते हो, ठीक है। ये सारे टूल्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ये जो फोटो एडिटिंग ऐप है ना, बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है, आपके एडिटिंग को ना टॉप लेवल हो जाएगी। अब हमारा अगला जो फोटो एडिटिंग ऐप होने वाला ना, उसका नाम है फोटो रूम AI फोटो एडिटर। और भाई, ये जो फोटो एडिटर ऐप है ना, मेरा फेवरेट है, यहाँ पर मैं अपने बहुत सारे फोटो एडिटिंग करता रहता हूँ। और अगर हम बात करें इस फोटो एडिटिंग ऐप के बारे में, तो यहाँ पर से आप डायरेक्टली अपनी किसी भी फोटो से अपना बैकग्राउंड को इजीली पूरा रिमूव कर सकते हो इस AI को टूल की मदद से। एंड उसके अलावा आप अपने फोटो के बैकग्राउंड को भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पर बहुत सारे बैकग्राउंड का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा, कलर वाला यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, आप अपने बैकग्राउंड का कलर यहाँ पर से चेंज कर सकते हो। अदरवाइज यहाँ पर से ना बहुत सारा एडिटिंग क्लासिक्स देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पर देख सकते हो। ब्लर का अलग अलग फीचर देखने को मिल जाता है, कलर स्प्लैश है, मोशन ब्लर है, लो की है, हाई की है, स्पेसी है, यानी बहुत सारे फिल्टर्स भी देखने को मिल जाएंगे। अदरवाइज अगर आपको इंस्टाग्राम के लिए, फेसबुक के लिए, या फिर यूट्यूब के लिए प्रोफाइल पिक्चर जनरेट करना है, तो ये यहाँ पर से आप इजीली कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर प्रोफाइल पिक्चर के लिए ना अलग अलग ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे, अलग अलग फिल्टर और अलग अलग बैकग्राउंड का कलर के हिसाब से, और अलग अलग एडिटिंग टाइप्स के हिसाब से, ठीक है। जो भी आपको सही लगता है ना, आप उसको यहाँ पर से सिलेक्ट करके ना उसको और भी नेक्स्ट लेवल वाली एडिटिंग कर सकते हो। और जैसे जैसे आप नीचे स्क्रॉल करते जाओगे ना, तो अलग अलग यहाँ पर से फीचर्स देखने को मिल जाएंगे फोटो एडिटिंग्स का, यहाँ पर से बैकग्राउंड वगैरह चेंज करने का, या फिर वाइब्रेंट कलर्स है, यहाँ पर क्रिसमस पोर्ट्रेट्स है यहाँ पर, ठीक है, एंड यहाँ पर ब्लैक डे का, यहाँ पर फुल फैशन का, एंड यहाँ पर बहुत सारे फीचर्स देखने को मिलेंगे। आप अपने तरीके से, अपने हिसाब से अपने फोटो को ना नेक्स्ट लेवल एडिटिंग कर सकते हो। अब हमारा अगला जो फोटो एडिटिंग ऐप होने वाला ना, उसका नाम है स्नैप एडिट। और ये भी एक AI फोटो एडिटर है, जहाँ पर आपको बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के टूल्स देखने को मिलेंगे आपके फोटो एडिटिंग के लिए। जैसे कि यहाँ पर से ऑब्जेक्ट्स को रिमूव कर सकते हो, फोटो को एनहेंस कर सकते हो, बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हो, AI स्किन का फीचर देखने को मिल जाए, ऑटोमेटिकली आप अपने फेस पर ना पूरा यहाँ पर स्किन सही से कर सकते हो, ठीक है। AI हेयर का फीचर है, AI स्काई का फीचर है, जैसे कि यहाँ पर स्काई चेंज कर सकते हो अपने बैकग्राउंड का, ठीक है। आर्ट का फीचर देखने को मिल जाता है, क्रॉप है, रिस्टोर ओल्ड पिक्स है, यहाँ पर से टेक्स्ट को रिमूव कर सकते हो, ठीक है, स्टिकर वगैरह ऐड कर सकते हो, एंड और भी बहुत सारे फीचर्स देखने को मिलेंगे। तो रैंडमली मैंने यहाँ पर अपने फोटो को सिलेक्ट किया है एडिटिंग के लिए, ठीक है। यहाँ पर टूल्स आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, एनहेंस कर सकते हो, बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हो, यहाँ पर स्काई वगैरह चेंज कर सकते हो। पासपोर्ट साइज फोटो अगर आपको बनाना है ना अपने किसी भी इमेज से, तो वो भी यहाँ पर फीचर देखने को मिल जाती है, ठीक है। इफेक्ट्स वगैरह देखने को मिल जाएगा, और टेक्स्ट वगैरह यहाँ पर रिमूव कर सकते हो अगर आपके फोटो में कोई भी टेक्स्ट है तो, ठीक है। पोर्ट्रेट के ऑप्शन में जाते हो तो यहाँ पर और भी अदर ऑप्शन देखने को मिलेंगे एडिटिंग के लिए। फिल्टर्स के ऑप्शन पर जाओगे ना, तो यहाँ पर आपको बत्तेरे फिल्टर्स देखने को मिलेंगे, जो फिल्टर आप अपने फोटो में यहाँ पर से अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट लेवल के फिल्टर्स देखने को मिल जाएंगे, जो भी आपको सही लगे ना, जो फिल्टर आपको अच्छा लगे, जैसे कि आपके फोन में फिल्टर नहीं है तो यहाँ पर से आप फिल्टर वगैरह ऐड कर सकते हो। एडजस्ट के ऑप्शन पर जाओगे तो यहाँ पर से अपने हिसाब से पूरा मैनुअली कंट्रोल कर सकते हो अपना फोटो का, यहाँ पर से कलर ग्रेडिंग कर सकते हो, जैसे कि ब्राइटनेस को अप डाउन करना, कॉन्ट्रास्ट को, वार्म को, सैचुरेशन
सेशन को, विग्नेट को, शार्पनेस को, ठीक है। स्टिकर ऑप्शन पर जाओगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे स्टिकर्स देखने को मिलेंगे, जहाँ पर से आप अपने फोटो में ना एड यहाँ पर स्टिकर्स वगैरह ऐड कर सकते हो। टेक्स्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, जहाँ पर आप अपने फोटो पर टेक्स्ट वगैरह ऐड कर सकते हो। ओके, अब हम बात कर लेते हैं हमारे इस लिस्ट के चौथे AI फोटो एडिटिंग ऐप के बारे में। तो इसका नाम है एपिक AI फोटो एडिटर ऐप, और इस ऐप के बारे में 99% लोगों को मालूम ही होगा। काफ़ी लोग इस एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं फोटो एडिटिंग के लिए, बिकॉज यहाँ पर आपको एडिटिंग टूल्स ना बहुत सारे मिलेंगे और नेक्स्ट लेवल वाली आप एडिटिंग कर सकते हो। तो पहला जो टूल है यहाँ पर AI फीचर्स का, आप अपना यहाँ पर AI तरीके से अपने फोटो को यहाँ पर AI से कन्वर्ट कर सकते हो। अदरवाइज लाइव वॉलपेपर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। वीडियो को एडजस्ट करना चाहते हो वो कर सकते हो, अपने फोटो को अच्छे तरीके से एनहेंस करना चाहते हो वो कर सकते हो। AI एक्सपैंड का फीचर देखने को मिल जाता है, जहाँ पर से आप अपने फोटो का ना एक्सपैंड कर सकते हो उसका एरिया, फोटो को कटआउट करना वो ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, विंकल्स का ऑप्शन देखने को। और यहाँ पर से सिर्फ फोटो को ही एडिट नहीं कर सकते हो, इसके अलावा वीडियो का भी ऑप्शन आ जाता है, जहाँ पर से वीडियो को भी एडिट कर सकते हो नेक्स्ट लेवल। और मैंने यहाँ पर से रैंडमली अपने एक फोटो को यहाँ पर सेलेक्ट किया एडिटिंग के लिए। और भाई इस एडिटिंग ऐप का भी एक चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा बेस्ट लगा, इसकी फोटो एनहेंसमेंट देखकर। भाई यहाँ पर ना टॉप नोच एनहेंस करती है, यहाँ पर आपके डिटेलिंग काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त देखने को मिलेगा। और इसके अलावा यहाँ पर इफेक्ट का ये ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको बहुत सारे इफेक्ट देखने को मिलेंगे, जिसको आप अपने फोटो पर यहाँ पर से इफेक्ट्स वगैरह ऐड कर सकते हो। एडजस्ट का ऑप्शन आता है, जहाँ पर से अपना मैनुअली कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। फिल्टर्स का ऑप्शन आ जाता है, जहाँ पर से अपने फोटो पर अगर फिल्टर वगैरह ऐड करना हो ना तो वो ईजिली कर सकते हो। पोर्ट्रेट का ऑप्शन आ जाता है, जहाँ पर से आप रैंडमली अपने ही मैनुअली तरीके से एडिटिंग कर सकते हो। टूल्स का ऑप्शन देखने को मिल जाए, जहाँ पर आपको बहुत सारे टूल्स देखने को मिलेंगे, कटआउट करना है, अपने फोटो को शेप देना है वो चीज़ दे सकते हो, इन्हेंस करना है, या फिर DSLR वाली फोकस ब्लर देनी, जैसे कि किसी भी आप नॉर्मल फोटो में ब्लर देना चाहते हो DSLR तरीके से, तो वो चीज़ यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर एडिटिंग कर सकते हो। AI स्टाइल का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जहाँ पर आप अपने फोटो को ना एनीमे या फिर कार्टून में कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, अब हम बात कर लेते हैं हमारे इस वीडियो का और इस लिस्ट का फिफ्थ एंड लास्ट AI फोटो एडिटिंग ऐप के बारे में। तो उसका नाम है AI फोटो एनहेंसर का। यहाँ पर भाई बेसिकली इसका नाम से आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप अपने फोटो को एनहेंस कर सकते हो। और इस एप्लीकेशन के अलावा मैंने 2-4 एप्लीकेशन में भी आपको बताया जहाँ पर आप फोटो को एनहेंस कर सकते हो, बट इसकी जो एनहेंसमेंट है ना बहुत ही ज़्यादा खास है। बिकॉज यहाँ पर आपका फोटो एनहेंस जो करेगी ना भाई, यहाँ पर आपका कार्टून शेप में नहीं लगेगी, बिकॉज आपका फोटो ना पूरा टॉप नॉच एनहेंस करेगा, जैसे कि फोटो एकदम DSLR से क्लिक किया गया हो। और कंपैरिजन आप यहाँ पर से देख सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर से अपने फोटो को यहाँ पर से सेलेक्ट किया हुआ एडिटिंग के लिए, और यहाँ पर अभी देख सकते हो कुछ इस टाइप का था फोटो, और मैंने यहाँ पर से यहाँ ये एनहेंस किया, तो आप देख सकते हो इसका कंपैरिजन यहीं पर स्क्रीन पर, जो काफ़ी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल देखने को मिलेगा। और भाई इस एप्लीकेशन से सिर्फ एनहेंसमेंट ही नहीं होती है, यहाँ पर से और भी बहुत सारे फीचर और टूल्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि इम्प्रूव क्वालिटी का, ठीक है, क्लैरिटी का, कार्टून का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जहाँ पर आप अपने नॉर्मल से फोटो को ना कार्टून में कन्वर्ट करना वो फीचर देखने को मिल जाता है, अपने फोटो को रीस्टोर करना है वो चीज़ देखने को मिल जाता है, कलराइज का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, डिस्क्रैच का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, किसी भी धब्बे फोटो को यहाँ पर सही तरीके से यहाँ पर एडिट करनी है। ओके, आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों को टॉप 5 बेस्ट एंड कमाल के AI फोटो एडिटिंग ऐप के बारे में बताया, जिससे आप अगर आप बिगिनर हो ना तो आपकी फोटो एडिटिंग ना नेक्स्ट लेवल होने वाली है। तो भाई कौन सा एप्लीकेशन आपके लिए सही था, आपके लिए यूजफुल था, आप कौन सा यूज़ करने वाले, और इससे पहले आप कौन सा यूज़ कर रहे थे, ये सारी चीज़ें मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाय द वे, अगर वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल हुई है, वीडियो ज़रा भी पसंद आई है, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और इस वीडियो को अपने सारे एंड्रॉइड यूज़र फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर देना। और अगर आप चैनल पर नहीं हो तो क्या कर रहे हो, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज यहाँ पर आपको ऐसी क्वालिटी वाले कॉन्टेंट मिलती है और हमेशा मिलती रहेंगी। तो चलिए फिलहाल के लिए इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो के एंड तक देखने के लिए, मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।